बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमण का इलाज कर रहे चिकित्सकों तथा जनपद के प्राइवेट चिकित्सकों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी केविजन पांडियन ने किया। कार्यशाला में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर एसके दीक्षित, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक डॉक्टर महिम मित्तल सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। कार्यशाला में मेडिकल कॉलेज के पिछले कई महीनों से कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे चिकित्सकों के अनुभव को प्राइवेट चिकित्सकों के बीच शेयर किया गया तथा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किए गए प्राविधानों एवं मरीज को दी जाने वाली दवाइयों को भी शेयर किया गया, जिससे किसी भी मरीज को गंभीर स्थिति में पहुंचने से पहले ही इलाज हो सके, क्योंकि जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कोरोना में अगर समय से टेस्ट हो जाए और समय से ही उसे दवा दे दी जाए जो ज़िले के सभी पीएससी पर उपलब्ध है, जो फ्री में दी जा रही है, अगर किसी भी संक्रमित को सही समय पर इलाज हो जाए तो कोरोना की मौतों को रोका जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, तो जो कह रहा है कि साहब हमें केवल आरटीपीसीआर करानी करना चाहिए,
यानी कि सिर्फ 60% पॉजिटिव है, बाकी 40% क्या करेंगे। तो हम लोग हो सकता है आने वाले समय कॉम्बिनेशन जैसे हम RT-PCR भी करें, IgM भी करें, IgG भी करें और भी कुछ करें और फिर तीनों को मिला के देखें मरीज के स्पेक्ट्रम में फिट बैठ रहा है नहीं। उसमें जो BRD में जो टीम पिछले 2-3 महीने से कोविड के पेशेंट के जो क्रिटिकल पेशेंट है उनकी वहाँ पे वो देख रेख कर रही है और इलाज कर रही है, उन्होंने अपने जो उनके अनुभव थे वो प्राइवेट डॉक्टर जो गोरखपुर में जो टॉप के डॉक्टर्स हैं उनसे शेयर किए हैं और किस तरह से जो प्रोटोकॉल इन दिनों में बना है जिससे बहुत लोगों की जानें बच रही है और लोग ठीक हो रहे हैं, वो प्रोटोकॉल या दवाइयाँ जो है या क्या क्या करना चाहिए वो उनसे शेयर किए, अनुभव को अपने को साझा किए और प्राइवेट डॉक्टर्स ने उसको बहुत ही अच्छे से लिया है और उन्होंने जो जो उन्होंने बताया है उसको फॉलो करेंगे ताकि पेशेंट जो है वो कहीं गंभीर स्थिति में पहुंचने से पहले ही उसको सही इलाज मिल सके, क्योंकि जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट है कोरोना में। कोरोना में अगर टाइमिंगली टेस्ट हो जाए और टाइम से ही उसको दवा दे दी जाए, जो दवा हमारे PHC तक अवेलेबल है उनको किटें बना के दी गई है जो फ्री में अवेलेबल है, अगर वो टाइम पे मिल जाए तो कोरोना का इलाज बहुत सही तरीके से उसको मैनेज किया जा सके।